मैं परमजॉय गुहा ठाकुर था, मैं टिकरी बॉर्डर में हूँ। आज गुरुपर्व का दिन एक खुशी का दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगभग एक साल आंदोलन के बाद ये तीन कानून रद्द कर दिया, घोषणा किया हम रद्द करने वाले हैं। तो आज मेरे साथ सुखदर्शन सिंह नट जी, पंजाब किसान यूनियन की हैं, मैं उनसे बात कर रहा हूँ। सुखदर्शन जी, आप आज प्रधानमंत्री का जो घोषणा, ये किस तरह से आप देख रहे हैं? देखिए, ये जो प्रधानमंत्री जी की घोषणा है, ये किसान एजिटेशन की जीत है। हम इसको जीत के रूप में ही लेते हैं, और मगर ये जीत बड़ी कुर्बानियों के बाद जहाँ तक बात आई है, हमारे 700 लोगों की जान गई है। लखीमपुर में बीजेपी के लोगों ने हमारे किसानों को कत्ल किया है, तो अब भी हम इसको मुकम्मल जीत अभी तक नहीं मानते, क्योंकि अभी तक ये घोषणा है। घोषणा मोदी जी ने पहले भी ब्लैक मनी वापस आएगा, टेररिज्म खत्म होगा, बहुत बातें हुई थी। जितनी देर पार्लियामेंट में इनको रिपील करने का जो रेजोल्यूशन नहीं लिया जाता, और जितनी देर MSP इलेक्ट्रिसिटी बिल जो वापस लेने का मामला है, जो मांगे हैं, मोर्चे के साथ बातचीत करके जो टोटल एक पैकेज नहीं से डिक्लेयर होता, उतनी देर हम इनको कंप्लीट विक्ट्री के रूप में नहीं लेते। हाँ, पार्शली है कि हम जीते हैं, सरकार पीछे हटने को तैयार हुई है। अभी आपके सामने रास्ता क्या है? आप अभी यहाँ से आप आगे कैसे जाएंगे? आपका क्या क्या मांग बाकी रह गया, जैसे MSP न्यूनतम जो मूल्य है, तो उसको आप क्या कानूनी बनाने का एक मांग है, और बाकी जो तीन जो कानून है उसको रद्द करने के बाद क्या आपको आगे बढ़ना चाहिए, कौन सा रास्ता आपको आगे बढ़ना? क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी माफ़ी मांग, वो आसान से माफ़ी मांगते नहीं, मगर माफ़ी मांगा। बोलो, कुछ लोग हमारा बात समझे नहीं, वो कह रहे थे कि हमारा बात उन्होंने ठीक तरह से समझा नहीं, और इसीलिए हमारे सामने और कोई रास्ता है नहीं है। दरअसल मामला उल्टा है कि हम ये बात समझ गए, जो कानून किस लिए बने, अग्रेरियन ला किस लिए लाए गए, वो हम समझ गए थे। इसलिए ये बात नहीं कि हम समझे नहीं, समझ गए, इसीलिए इतनी लंबी लड़ाई लड़ने के लिए, इतनी कुर्बानी देने के लिए तैयार होके आए यहाँ पे, क्योंकि हम समझ गए थे कि ये लाभ बेसिकली पीजेंट्स के लिए नहीं लाए गए, उनकी बेटरमेंट के लिए नहीं है। ये कारपोरेट जो मतलब कंपनियाँ हैं, उनका हमारी एग्रीकल्चर लैंड पर जो कब्जे का रास्ता साफ करने के लिए कानून लाए गए हैं, तो इसलिए हम इस पर लड़े। रास्ता बड़ा साफ है, हम पीसफुल हैं, मगर हम डिटरमाइन हैं कि हम पूरा जीत हासिल करने के बिना नहीं जाएंगे। हमने एक साल पूरा होने पर 26 को कॉल किया है पीजेंट्स को कि दोबारा बड़ी संख्या में मोर्चे पर आए, और अगर सरकार बात करके बाकी चीज़ों पर सेटलमेंट नहीं करती, तो 29 को हमारा पार्लियामेंट की ओर मार्च करने का डिक्लेयर्ड प्रोग्राम है, 500 लोगों के जथे भेजने का। अगर सरकार चाहती है कि हम उसको वापस लें, तो लाजमी है कि सरकार मोर्चे से बात करे, और सारी जो मांग मोर्चा उठा रहा है उन पर मोर्चे के साथ बातचीत करके कोई एमिकेबल सेटलमेंट पर आए, तो हम मानेंगे, ठीक है, नहीं तो हम लड़ेंगे। बहुत लोग कहते हैं कि जिस तरह ये आंदोलन चला लगभग एक साल, ये भारतवर्ष के इतिहास में हमने कैसे ऐसे आंदोलन नहीं दिए, सिर्फ भारतवर्ष क्यों, पूरा विश्व के इतिहास में हमने ऐसा आंदोलन नहीं दिया। तो आप क्या मानते हैं कि जिस तरह से आंदोलन हुई है, ये पहले कभी हमने नहीं देखा? ऐसी बात नहीं कि लंबे आंदोलन नहीं चले। मान लो भारत के लोग ब्रिटिश के खिलाफ इंडिपेंडेंस के लिए 90 साल लड़े, तो ट्राइबल बिरसा मुंडा और जो ट्राइब थे 10-10 साल लंबी लड़ाई लड़े। हाँ, ये एक उनसे अलग बात है कि ये आंदोलन टोटली पीसफुल था और एक किस्म का सत्याग्रह था,
कि हम पीछे भी नहीं हटेंगे, हम कोई मतलब ऐसा कानून ब्रेक करने वाला, कोई तोड़ फोड़, कोई बैलेंस इसकी ओर भी नहीं जाएंगे। हालांकि जो बदकिस्मती की बात है कि आरएसएस बीजेपी ने हमको प्रोवोक करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी, हर किस्म की प्रोवोकेशन की, तोड़फोड़ के लिए उकसाया गया लोगों को। पर जे मोर्चे की कामयाबी है कि मोर्चा उनकी चाल में नहीं फंसा, तो ये पीसफुल आंदोलन की जो जीत है, ये जो स्पेस एक देश में कम हो रही थी कि सरकार जो चाहे कर सकती है, डेमोक्रेसी में सरकारी सब कुछ है, जनता कुछ नहीं है, ये इस आंदोलन ने साबित किया है कि नहीं, अल्टीमेटली डेमोक्रेसी में जनता ही डिसाइसिव फैक्टर है, जो जनता चाहेगी वही होगा, जनता को निगेट करके आप राज नहीं चला सकते। ये माना है, इसका बड़ा दूर तक असर पड़ेगा इस आंदोलन। सब लोग कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ये कानून रद्द किया, इसका राजनीतिक कारण है, पंजाब में चुनाव आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश में चुनाव आ रहे हैं, तो इसके पीछे राजनीति है। इस विषय के ऊपर आप कुछ कहिए। देखियो, राजनीतिक कारण तो बड़े क्लियर है, क्योंकि पहले उनको ऐसा लगता था कि इस एजिटेशन का कोई पॉलिटिकल इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा, पर रिसेंटली बाईपोल जो हुए हैं, खास तौर पर हिमाचल जैसी स्टेट में जो टोटली हिंदू डोमिनेटेड है, अपर कास्ट जहां पर 93% है, ऐसी स्टेट में जितना बाईपोल हुआ समेत एक लोकसभा सीट का, बुरी तरह बीजेपी का हार जाना, ये एक पैरामीटर था कि एजिटेशन डीप चला गया है। और जैसे हिमाचल जैसे बीजेपी रूल्ड स्टेट में वो हारे हैं सरकार होते हुए, तो अब यूपी भी सेफ नहीं है, तो इसलिए ये एक मेजर रीजन है जिसके लिए वो पीछे हटने के लिए मजबूर हुए हैं। सुखदर्शन जी, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये जो आंदोलन चला लगभग एक साल, ये आंदोलन अमीर किसानों के आंदोलन है, जिसके पास जमीन है, जिसके पास पैसा है, और जो छोटे किसान हैं, जो भूमिहीन मजदूर हैं, उनके लिए कोई फायदा नहीं हुआ, तो ये बात आप मानते हैं? हम नहीं मानते। एक तो ये बात मतलब आप बोलिए कि बुरे इरादे से कही जा रही है कि या तो है कि गरीब लोगों के लिए तो आपने बहुत कुछ किया, इनके लिए नहीं किया है ना, ऐसी बात नहीं, गरीब लोगों को और भी विक्टिमाइज किया गया है। दूसरी बात है, रिसेंटली एक वीक पहले पंजाब के दो जो इकोनॉमिस्ट हैं उनकी स्टडी आई है, जिसमें उन्होंने सर्वे करके कहा है कि जो आंदोलन में बैठे लोग हैं उनका अगर सिर्फ पीजेंट को देखा जाए तो उनकी एवरेज जो लैंड ओनरशिप है वो 2.9 एकड़ है, और अगर लैंडलेस को भी जो मोर्चे में जिनकी डेथ हुई उनको भी शामिल कर लिया जाए तो वो है 2.25 एकड़ एवरेज लैंड ओनरशिप उनकी। तो आप क्या कहेंगे कि 3 एकड़ वाला, 2 एकड़ वाले वो बड़े किसान हैं? तो बड़े किसान नहीं है, लोगों पर डेट है, उसमें फंसे हैं लोग, सुसाइड कर रहे हैं। और ये आंदोलन सिर्फ ला के खिलाफ नहीं है, कई लोगों को लिखा है जो ओवरऑल स्ट्रेस है पीजेंट्री पर, ये उसका विस्फोट है, उसका सारा एक इसके जरिए जनता का गुस्सा सामने आया है। कारपोरेट, प्रो कारपोरेट डेवलपमेंट मॉडल, डेट और MSP ना देना, लोगों की गरीबी, लोगों के से सब एजुकेशन हेल्थ छीन लेना, तो ये कुल मिला के जनता, अमीर गरीब कोई भी हो जो पीजेंट्री है, मिडल है, लैंडलेस है, ये सब मिलके लड़े हैं। लोग कह रहे हैं कि ये आंदोलन भारतवर्ष के एक छोटा अंश के लोगों के लिए, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और भारतवर्ष के अलग अलग राज्य में, अलग अलग इलाका में, अलग अलग क्षेत्र में, वहाँ का किसान इस आंदोलन को समर्थन नहीं किया, यही लोग कह रहे हैं। देखिए, अगर ये सिर्फ एक पॉकेट का एजिटेशन होता रियली, तो बीजेपी जीते जीते बंगाल में ऐसे एकदम चौपट क्यों हो जाती, और ऐसे तमिलनाडु से लेकर केरल तक
22 को लखनऊ जाइए, जो लोग जाएंगे देखेंगे लखनऊ में जो डिक्लेयर्ड है, अगर मोर्चा उसको मतलब मान लो कोई चेंज नहीं करता तो बड़ी रैली होगी। मुजफ्फरनगर में तो चलो वो बोलेंगे पश्चिमी यूपी है, बिहार में, हैदराबाद में, और अभी 28 तारीख को मुंबई के आज़ाद मैदान में 1,00,000 किसान जुटने वाले हैं। तो एक बात तो ये है कि ये आंदोलन वाइड स्प्रेडेड है कंट्री में, और दूसरी बात है कि किस कोई भी बड़ा से बड़ा आंदोलन हो, क्या सारा देश लड़ता है? गांधी जी के साथ कितने लोग होते थे किसी भी बड़े आंदोलन में? एक सबसे एक्टिव हिस्सा लड़ता है, एक आदमी जहां आता है तो उसके पीछे 20 आदमी जुड़े होते हैं जो गांव से उसको सपोर्ट करते हैं लड़ने के लिए। तो इसलिए जो लाखों करोड़ों लोगों का आंदोलन है जो गलत हो रहा है। एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, लोग कह रहे हैं कि ये जो आंदोलन हुआ हुई अभी तक, इसमें पंजाब के कुछ खालिस्तानी समर्थक, कुछ पाकिस्तान के पैसा से कोई आतंकवादी इस आंदोलन के अंदर घुस गया, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? एक तो देखिए कि हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट कई 2-3 केसों में ये वर्डिक्ट दे चुकी है कि पीसफुली को खालिस्तान की बात करता है तो वो क्राइम नहीं है। कोई कह सकता है तो अगर हिंदू राष्ट्र की मांग पब्लिकली उठाई जा सकती है तो कोई पीसफुली खालिस्तान की बात भी करता है, वो पंजाब का किसान है, वो मोर्चे में आ सकता है, वो संत पिंडरां वाले की मतलब फोटो वाली टी शर्ट कोई लड़का पहन सकता है तो वो कोई क्राइम नहीं है, वो आ ही सकते हैं, पंजाब के किसान है। और दूसरी बात है कि आपके पास एक दर्जनों इंटेलिजेंस एजेंसी है, फॉरेन करेंसी को चेक करने के लिए है, NSA है, रा है, तो आप पकड़ते क्यों नहीं? पाकिस्तान का पैसा आया है, आप पकड़िए लोगों को, फॉरेन से पैसा ऐसा कोई इलीगली आया है आप पकड़िए। मगर खालसा एड सीरिया में जाए तो अच्छी है, बांग्लादेश जाए अच्छी है, वो कहीं इंडिया में गुजरात में पछाड़ा जाए तो अच्छी है, अगर वो अपने किसानों के लिए लंगर लगा दे तो वो बुरी है। ये तो ठीक बात नहीं ना हुई। ये जो आंदोलन चला कहा कि सफल नहीं होगा क्योंकि इसका लोगों का समर्थन नहीं, और कुछ लोग, हमने हिंदू राष्ट्र की बात किया, कुछ लोग कहते हैं कि ये धर्म के नाम में भारतवर्ष के लोगों को बांटा गया। आप क्या सचमुच मानते हैं कि ये जो आंदोलन हुआ इसमें हर धर्म का, हर समुदाय के लोग योगदान किया? अब देखिए कि इस आंदोलन से पहले पंजाब हरियाणा में टेंशन थी रिवर वाटर को लेकर, थोड़े साल पहले यूपी में राइट्स हुए, कम्युनल राइट्स, जिसमें मुस्लिम को टारगेट किया गया खासतौर पर मुजफ्फरनगर के आसपास, तो उसी मुजफ्फरनगर में आज क्या हो रहा है, ऑर्केस्ट का तो बोलते हैं अल्लाह अकबर, तो लोग बोलते हैं हर हर महादेव। तो इससे बड़ा मतलब मान लो वो प्रमाण क्या होगा कि इसमें हिंदू मुस्लिम सिख कोई भी हो, हरियाणा पंजाब बीजेपी ने बहुत कोशिश की कि दोबारा रिवर वाटर का इशू उठाकर डिवीजन किया जाए, मगर लोगों ने खट्टर को खदेड़ दिया, वो किसी भी जगह मास गैदरिंग नहीं कर सके, किसी जगह अड्रेस नहीं कर सके, और इंडिपेंडेंस डे पर फ्लैग नहीं वो लहरा सके, और पंजाब हरियाणा यूनाइट रहे, राजस्थान यूनाइट है, देश के बाकी स्टेटों के किसान यूनाइट है। तो इस आंदोलन ने आज़ादी के बाद जो काम आज़ादी में हुआ था कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब भाई भाई है, इस आंदोलन ने दोबारा लोगों को यूनाइट किया है, हिंदू हो मुस्लिम हो, जो किसान है वो किसान है, किसान का धर्म किसानी है, दूसरी बातें पीछे रह जाती है। मेरा आखिरी सवाल है आपके लिए, ये जो आंदोलन हुआ लगभग एक साल, बहुत सारे संस्था, बहुत सारे यूनियन, बहुत सारे संस्था इकट्ठा हुआ, इसका नेतृत्व हुआ ये संयुक्त किसान मोर्चा, जैसे अलग अलग समुदाय के लोग, अलग अलग विचारधारा के लोग, अलग अलग राजनीतिक दल के लोग, आप क्या समझते हैं ये आंदोलन का ये एक नया या एक अभिनवत्ता, एक यूनिकनेस हम देख रहे हैं? हाँ, यूनिकनेस है, और ये मेरे को लगता है कि ये सेकंड मूवमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडियन इंडिपेंडेंस,
उसके मतलब मान लो सीड्स हैं इसमें, क्योंकि जो राज करने वाले लोग हैं वो इंडिया को दोबारा कंपनियों का गुलाम कर देना चाहते हैं, वो अमानी हो, अडानी हो या एक्स वाई जेड कोई भी हो। तो अब है एक क्वेश्चन है बड़ा, बहुत बड़ा, कि क्या इंडिया पीपल्स इंडिया रहेगा या इंडिया कंपनीज का इंडिया रहेगा। और ये एजिटेशन इस बात का की शुरुआत है कि इंडिया के लोग एक रियल डेमोक्रेटिक प्रॉस्पर्स और मतलब मान लो सोशलिस्ट पैटर्न का इंडिया चाहते हैं, वो कंपनियों के गुलाम नहीं होना चाहते, ये गारंटी करता है ये एजिटेशन इस बात का। धन्यवाद धन्यवाद सुखदर्शन जी। आप सुन रहे थे सुखदर्शन सिंह नट जी, जो पंजाब किसान यूनियन का नेता है। हम टिकरी बॉर्डर में उनसे बहुत सारे सवाल पूछा, और आज खुशी के दिन है इन लोग के लिए, आज गुरुपूरब है। न्यूज़लीक के लिए मैं परंजॉय गुहा ठाकुर था, टिकरी बॉर्डर। एक साल के आंदोलन के बाद हम देख रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 3 कानून को रद्द कर दिया। आज गुरुपूरब के दिन में आप इसका माने और इसका मतलब आप क्या देख रहे हैं? ऐसा जी, रद्द करने की पावर प्रधानमंत्री के पास नहीं है, मोदी के पास नहीं है, संसद के पास पावर है। जब संसद का सत्र लगेगा उसके बाद ये कानून रद्द हो सकते हैं। अभी तक तो मोदी जी ने कहा है, तो मोदी जी के पास वो पहले भी कई बार जुमले दे चुके हैं, तो ऐसा ना हो कहें कि किसानों को वापस भेजने के लिए मैंने ऐसा कह दिया। और उसके साथ में हमें MSP के ऊपर कोई बात नहीं हुई है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य, वो भी हमें चाहिए, क्योंकि वो पहले से डिमांड रही है। लोगों को, लोग किसान आत्महत्या कर रहे हैं क्योंकि उनको जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा, जो लागत के ऊपर लागत ही नहीं मिल रही है और नुकसान का घाटे का सौदा रहा है, तो वो भी एक मुख्य डिमांड है इसके साथ में, जो हमें साथ में चाहिए। और दूसरे जो है पराली बिल वगैरह कई, और बिजली बिल हैं, ये सब चीज़ें भी हैं, लेकिन मुख्य तौर पर 3 कृषि कानून जो हमारे ऊपर थोपे गए हैं किसानों के ऊपर और पूंजीपति लोगों को फायदा देने के लिए, वो वापसी चाहिए। सिर्फ आश्वासन से काम नहीं चलेगा, जो अभी उन्होंने बोला है वो आश्वासन एक तरह से, जब तक वो कानूनी तौर पे उसका कानूनी जामा नहीं पहनाया जाता संसद में, जब तक वो मतलब रिजेक्ट नहीं होते, जब तक वो खत्म नहीं किए जाते। लोग कह रहे हैं कि ये जो घोषणा आज प्रधानमंत्री ने किया वो उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव के उनका नजरिया वहाँ पे है, और एक तरह से लोग कह रहे हैं कि ये जो कानून रद्द करने का जो घोषणा किया इसके पीछे राजनीति है, क्योंकि उत्तर प्रदेश पंजाब में विधानसभा चुनाव आने वाले कुछ महीनों के बाद होने वाले, इस विषय के ऊपर आप क्या कहने चाहेंगे? ये एक बदकिस्मती है हमारे देश की, इस समय पर जो हमारा प्रधानमंत्री है वो सिर्फ राजनीतिक है, देश का प्रधानमंत्री नहीं है, देश के लिए काम नहीं कर रहा, वो राजनीतिक पार्टी के लिए काम कर रहा है, ये तो लोगों को विजिबल है, लोगों को पता है, इस बात का दिख रहा है। और ये पहले भी आपने भी कहा कि लोग ऐसा कह रहे हैं, और ये सच्चाई भी है, क्योंकि वो कोई भी कदम उठा रहे हैं वो राजनीतिक फायदे के हिसाब से उठा रहे हैं, और राजनीतिक नुकसान को देखते हुए वो इसको वापस ले सकते हैं और लेना चाहिए उनको। लेकिन ये वास्तव में ये जो है उन्हें ये समझना चाहिए कि लोगों ने उनको चुना था, और लोगों को जो किसानों ने और मजदूरों ने उनको चुना था, क्योंकि बहुमत जो हमारा किसान और मजदूर का है, 70% किसान है, बाकी मजदूर मिला के 90% है, उन्होंने चुना था। उनको आप नाराज करके, उनकी रोजी रोटी छीन करके कुछ पूंजीपतियों को अगर आप खुश करने की कोशिश करेंगे तो देश की जनता का, पूरे देश की जनता मतलब भारत, ये भारत का अपमान है, भारत को आप नीचे धकेल रहे हैं, और ये दिख भी रहा है, जो रुपया डाउन जाता जा रहा है, पेट्रोल और इतनी महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, ये सब दिख रहा है कि ये सिर्फ एक नतीजा है कि टोटल राजनीतिक सोच रखने वाला इंसान आज हमारे देश का प्रधानमंत्री है, उसको अपनी जो जिम्मेदारी है देश के लिए वो उसको भूल चुके हैं, ये तो है बात। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये जो आंदोलन हुई है, ये जो बड़े बड़े किसान के आंदोलन है उनके पैसे से चल रहे हैं, जिसके पास जमीन है, और जो छोटे मजदूर, जो छोटे किसान जो है, जो भूमिहीन मजदूर है, उनके लिए नहीं है, इस विषय के ऊपर आप क्या कहेंगे? ऐसा नहीं है कि उनके लिए नहीं है, हाँ ये मैं मान सकता हूँ कि जो मजदूर हैं, जो रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, वो इस आंदोलन में शामिल नहीं हो पा रहे हैं,
क्योंकि अगर वो यहाँ शामिल हो जाते हैं तो उनकी रोजी रोटी, उनके बच्चे जो हैं, उनके जो सारी चीज़ें वो वहाँ पे वो घाटे पे चले जाते हैं, उनके मतलब बच्चों का भविष्य खराब हो जाता है। तो वो लोग नहीं आ पा रहे हैं और ये जो आंदोलन चल रहा है ये इसलिए चल रहा है कि जो ये किसान है, जो छोटे तबके के किसान है, कहीं उनकी भी वही सिचुएशन हो जाने वाली है, उसी परिस्थिति में चले जाने वाले हैं कि कल को वो भी अपनी आवाज़ नहीं उठा पाएंगे, इतने कमज़ोर हो जाएंगे और सिर्फ उगाने और खाने तक ही सीमित रह जाएंगे, अपने हकों के लिए अपनी वो ये समझ ही नहीं पाएंगे कि हमें हमारी ज़िंदगी कैसे होनी चाहिए। एक मजदूर और मतलब जो अभी भी जो आत्महत्या कर रहे हैं लोग, वो पूरी तरह से त्रस्त होकर के कि भाई हम कुछ नहीं कर सकते, तब लोग कोई भी किसान आत्महत्या करता है। तो त्रस्त तब होता है जब उसको बैंक से लोन नहीं मिलता, बाहर से लोन उठाना पड़ता है, सारा सिस्टम जो है करप्ट है, वो वहाँ से तो मार खा ही रहा है, कोई रोजगार के साधन नहीं है, महंगाई बड़ी तेजी से बढ़ रही है, जो लागत मूल्य है वो बढ़ता जा रहा है और आमदनी हो नहीं रही है। इसलिए सिर्फ हम मांग रहे हैं, जो सिर्फ समर्थन मूल्य नहीं मार रहे, न्यूनतम स्वामीनाथन आयोग वाला जो समर्थन मूल्य है जिसमें लागत के ऊपर मुनाफा चाहिए, उसको हम मांग रहे हैं ताकि किसान की हालत बेहतर हो और किसानी में लोग काम करते रहें, जीवन उनकी ज़िंदगी बनी रहे। ऐसा नहीं है कि बहुत समृद्ध हो जाने वाले हैं उसके बाद स्वामीनाथन आयोग, लेकिन उनकी ज़िंदगी बनी रहेगी, वो लोग अपने काम को करते रहेंगे और हमारा जो कृषि प्रधान देश है उसमें लोग जो है भूखे नहीं मरेंगे। ये भी लोग कहते हैं कि ये जो आंदोलन है भारतवर्ष के एक छोटा अंश में है, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और भारतवर्ष के अलग अलग जगह में वहाँ का किसान ये आंदोलन को समर्थन नहीं कर रहे हैं। आप क्या सहमत हैं? ये लोग नहीं कह रहे हैं जी, ये एक्चुअली क्या है, एक जो इस संस्था है भाजपा और आरएसएस, ये जो है 20 करोड़ लोगों को या उससे ज़्यादा लोगों को अपने साथ जोड़े हुए, तो ये समझिए कि लगभग जो है मैच्योर लोग हैं, जो वयस्क लोग हैं, उनमें से हर 7 में से एक आदमी या 10 में से एक आदमी जो है इनका मेंबर है, तो वो बीच में बोलते हैं उन्हीं के आदमी बोलते हैं, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। ये हम पहले भी कह चुके हैं कि ये जो है हम तर्क के आधार पर बात कर रहे हैं कि जो जो जमाखोरी का कानून है इसने कभी भी फायदा नहीं दिया आम आदमी को, भी किसान को नहीं, आम आदमी के नुकसान में रहा। पूंजीपति लोग जमाखोरी कर लेंगे सामान को और उस टाइम पे उसका अपने हिसाब से बेचेंगे तो वो उनके फायदे में है। तो इनका विरोध करना, तो विपक्ष भी खुल के नहीं आ रहा है, हालांकि विपक्ष को भी आना चाहिए, लेकिन इनका विरोध बिल्कुल तथ्यों के आधार पर है और इसमें कोई राजनीति, और सारा देश में जो लोग नहीं आ पा रहे हैं, जिसमें बताया कि जिनके हालात अच्छे नहीं है, जिन मजदूरों के, जिन किसानों के, वो हमारे आंदोलन में नहीं आ पा रहे हैं, यहाँ पे साथ में शिरकत नहीं कर पा रहे हैं, तो इसी तरह से कुछ लोग जो हैं वो नहीं आ पा रहे हैं। और कुछ लोगों को, एक और भी बात है कि कुछ लोगों को हमारे आम जनता के बीच में से छोटे लोगों को इस सरकार ने फुसला भी लिया है, अपने साथ जोड़ लिया है, तो इस वजह से उनको भी तोड़ने की, मतलब ये जो है देश की बात सुनने की बजाय जो लोकतंत्र को कैसे हनन करना है या जैसे एक मछुआरा मछलियों का कैसे शिकार करना है उस तरह से बात कर रहे हैं। ये मजदूरों को, किसानों को मछलियों की तरह मान रहे हैं और उसके शिकार के तरीके की, इसको डंडा मार के करना है, इसको चारा डाल के करना है, इसको जो है किस तरह से इसको शिकार करना है, वो तरीके ही अपना रहे हैं। उनका भी जैसे हमारे ब्रिटिश वालों ने किया, बांट रहे हम सबको धर्म के नाम में, जाति के नाम में। तो ये जो आंदोलन हुई है लगभग एक साल, क्या आप समझते हैं हर धर्म के लोग, हर जाति के लोग इकट्ठा मिलके ये आंदोलन क्या, और यही है आंदोलन का शक्ति और आंदोलन का जो नया हम देख रहे हैं, अभिनवत्ता जो देखिए, यूनिकनेस हम देख रहे हैं, इस विषय के ऊपर आपकी चीज। ये बिल्कुल ये सच है कि इसमें सभी सभी वर्ग हैं, सभी लोग हैं, पूरी सभी लोग इससे प्रभावित भी होने वाले हैं। जो हरियाणा के लोग, कई बार लोगों को दिखता है, मीडिया वालों को दिखता है कि कम लोग हैं, यहाँ के लोकल लोग कम हैं, लेकिन वो लोग भी हमेशा कहते हैं कि कभी भी एक कॉल आप कीजिएगा, कभी भी कोई दिक्कत होगी तो हम तुरंत यहाँ पे आ जाएंगे, सारी भीड़ हरियाणा से आ जाएगी बस। और ये सरकार भी जानती है इस बात को कि एक कॉल अगर हुई तो सारा हरियाणा भी साथ में, यूपी भी आ जाएगा, इसीलिए सरकार ने यही एक तरीका समझा कि हम इनसे लंबे समय तक बात ना करें ताकि निष्क्रिय हो जाए और लोग यहाँ पे ना आए। नहीं तो अगर ये किसी भी तरह से सक्रियता दिखाते सरकार, तो सिर्फ इसी डर से नहीं सक्रियता दिखाई कि भाई लोग शामिल हो जाएं। और ये सच्चाई है कि लोग यहाँ पे किसी भी वर्ग के बैठे हैं या कोई आप देख भी रहे हैं तो सभी लोग जो हैं हमारे साथ कनेक्टेड हैं। वो लोग जैसे ही कॉल होगी, कोई भी बात होगी, कहीं पे भी अत्याचार होगा, जैसे कहीं पे अभी जींद में या कहीं पे भी हांसी में जो हुआ है, कहीं पे भी या कहीं पे वो SDM ने बात की थी, तो लोग वहीं पे इकट्ठे हो जाते हैं। वहाँ यहाँ से तो लोग नहीं जाते, वहाँ पे हरियाणा के लोग हैं, जो लोग वहाँ पर बैठे हैं वो तुरंत इकट्ठे हो जाते हैं और सरकार को वहाँ पे सरकार की बोलती बंद कर देते हैं। तो लोग सब जगह पूरी तरह से जागृत हैं और सारे देश में जागृत हैं, क्योंकि अब ये इंटरनेशनल मुद्दा हो गया है।
और इंटरनेशनल लेवल पे लोग, मीडिया सभी लोग आ रहा है, तो इस पे सभी लोग जागृत हैं। ये कहना कि एक पर्टिकुलर वर्ग है, ये गलत बात है। मैं एक चीज आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये जो आंदोलन है इसमें न्याय क्या है, इसका कोई अभिनवत्ता है, कोई नया कुछ हम देख रहे हैं जो पहले हमने नहीं देखा, भारतवर्ष में नहीं देखा, शायद विश्व में नहीं देखा। एक साल से चल रहे आंदोलन, लाखों लोग अभी भी, टिकरी बोलिए, सिंगू बोलिए, गाजीपुर बोलिए, अलग अलग जगह में अभी भी हजारों लोग हैं, तो ये आंदोलन का नया क्या है? इसमें नया है इसका शांतिपूर्ण रूप। कोई भी, सब तरह, देखिए जवान तबका या दूसरी मेंटेलिटी के लोग भी आते हैं, लेकिन उनको शांत रखता है, उनको कहता है कि हमारी जो गांधीवादी नियम है कि भाई हम लोग गांधीवादी या गुरु गोविंद सिंह जी ने जो कहा कि शांतिपूर्ण ढंग से लड़ते रहो, अपनी सच के साथ लड़ते रहो, झूठ का साथ मत दो और जो लोक हित में है वो काम करो, तो उस सब तथ्यों पर ये आधारित है। इसलिए जो कोई आदमी गर्म मिजाज का भी आता है उसको भी वो समझता है कि क्योंकि ये लोग शांतिपूर्ण ढंग से संघर्ष कर रहे हैं तो वो यहाँ पे आगे शांत हो जाता है। जैसे गर्म लोहे को ठंडे पानी में डालते तो ठंडा हो जाता है, उसी तरह से जो अगर कोई गर्म दिमाग से भी आता है तो वो यहाँ पे आके शांत हो जाता है और हमारे जो एक स्वरूप को लंबा इसलिए चल रहा है कि कोई उग्र नहीं है। मेरा आखिरी सवाल, रास्ता सामने आप क्या देख रहे हैं? सामने तो मैं ये देख रहा हूँ कि एक बड़े लेवल पे किसान मजदूर इकट्ठे हुए हैं और अभी तो सिर्फ ये तीन काले कानून वापस होने के बाद में सिचुएशन वापस वैसी होने वाली है जैसे पहले थी, और पहले भी किसान कोई पहले भी आत्महत्या कर रहे थे, पहले भी किसान की हालत बहुत बुरी थी, अच्छी हालत नहीं थी और उसको पहले भी जो है उसमें से मुनाफे का सौदा नहीं था। तो अब ये इकट्ठे होके लोगों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए इकट्ठे होके आगे भी बातें करते रहेंगे, लोगों के लिए संघर्ष करते रहेंगे, ये एक अचीवमेंट है और लोगों के भरोसा भी आएगा। कुछ लोगों को जो है ये हो गया था कि मोदी जो है, जो वाजपेयी लोग बता देते थे उनके मेंबर्स जो हैं 20 करोड़ 25 करोड़ कि भाई ये मानने वाला नहीं है, तुम तो फालतू बैठे हो, अब उनकी भी बोलती बंद हो गई कि अब मानना तो देख रहे हैं, मानने वाला क्या मान रहा है, तो ये चीज़ हो गई। दूसरा ये जो किसान मानने लगा, ये जो तरह तरह से कह रहे थे कि ये लोग जो हैं बहुत सारी संज्ञाएं दी, अब ये जो एक बार इसने किसान मान की तो बिल वापस करने की बात की है, तो इसने ये अचीवमेंट है कि आज उसने हमें किसान मान लिया है। बाकी पूर्ण अचीवमेंट जो है, जो अचीवमेंट के तौर पे हम कहेंगे कुछ मिला है, वो तब होगा जब ये कृषि कानूनों को संसद में बिल वापस लिया जाएगा और MSP को भी कानूनी तौर पे, मतलब जो संसद में इसको एक कानून बना के और लागू किया जाएगा। मेरा साथ बात कर रहे थे सुमित छिकारा, झज्जर जिला हरियाणा राज्य में, वहाँ किसानी करते हैं, आटा का चक्की भी है। न्यूज क्लिक के लिए मैं परंजॉय गुहा ठाकुर था टिकरी बॉर्डर। आपने ये कृषक का आंदोलन के लिए आपने क्या क्या किया और ये जो आंदोलन है इसमें नया क्या हमने देखा और क्या सीखना चाहिए आज? देखिए, मैं बीइंग अ लॉयर, जब ये 5 जून को ऑर्डिनेंस पास हुए थे तभी से स्टडी कर रहा था, आर्टिकल्स वगैरह लिख रहा था, किसान यूनियन की लीडरशिप से मेरा तालमेल था कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल इलीगल एक्ट्स हैं। उसके बाद जब सितंबर में पार्लियामेंट ने बिल पास कर दिए, पंजाब में आंदोलन शुरू हो गया, तब मैंने पंजाब में मीटिंग्स वगैरह एड्रेस की, तो बिगनिंग से मैं जुड़ा हुआ था। फिर 26 जनवरी का घटनाक्रम होता है, मैं दिल्ली में प्रैक्टिस करता हूँ, जब हमको पता लगा कि लोगों को पकड़ लिया, अरेस्ट कर लिया, तो मैं सबसे पहला व्यक्ति था कि जो तिहाड़ जेल गया, वहाँ पे पता किया भी कितने लोग पकड़े गए हैं। फिर हमने दिल्ली के तकरीबन 100 के करीब वकील इकट्ठा हो गए, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जुड़ गई, हमने तकरीबन 170 लोगों की बेल करवाई 26 जनवरी वाले केसेस में, और सबसे फ्री ऑफ कॉस्ट सीनियर से सीनियर एडवोकेट दिल्ली का जुड़ा, किसी से एक पैसा नहीं लिया, 170 जमानत करवाई। और आज मैं स्पेसिफिकली आया था ट्रैक्टर की सुपरदारी के लिए, कुछ ट्रैक्टर भी फंसे हुए हैं, तो कम्युनिकेशन गैप हो गया था, हरियाणा वालों को मैसेज नहीं जा रहा था, तो जब मैं रस्ते में था तब ये अनाउंसमेंट हो गई कि बिल वापस करेंगे, प्रधानमंत्री मोदी ने अनाउंसमेंट कर दिया। जो आपने पूछा कि इसमें नया क्या था, नया मतलब इंडिपेंडेंस के बाद इतनी बड़ी मोबिलाइजेशन पहली बार ही हुई है और शांति प्रिय तरीके से जो चल रहा था, अहिंसा वो आंदोलन था। ठीक है, सरकार ने, एजेंसियों ने बहुत कोशिश की कि इसको
पहले रिलीजन स्पेसिफाई करें फिर रीजन स्पेसिफिक आंदोलन बनाएं, पर ये पैन इंडिया मूवमेंट बन गई, सब तरह के लोग जुड़ रहे हैं, किसान जुड़ रहे हैं। और अब जो हालात थी, मेरा अपना ओपिनियन था कि ये सिर्फ किसानी मुद्दा नहीं, अब तो देश में जमहूरियत बचाने का और देश बचाने का आंदोलन बन गया था। माय नेम इज सेंथिल एंड दिस इज नीला, दिस इज रम्या, दिस इज उमा। वी आर बेसिकली फ्रॉम तिरुवन्नामलाई एंड वी आर नॉट रिप्रेजेंटिंग एनी ऑर्गेनाइजेशन पर से, बट आवर सॉलिडारिटी इज ऑलवेज विद AIKM बिकॉज आई हैव कम हियर फॉर वन वीक इन ऑगस्ट एंड एट दैट टाइम आई वॉज अलोन, बट नाउ आई डिसाइडेड दैट आई हैव टू कम विद माई फैमिली एंड माई कलीग्स। वी आर वर्किंग इन अ स्कूल इन तिरुवन्नामलाई। Tiruvannamalai in Tamil Nadu, what motivated you to come from Tiruvannamalai in Tamil Nadu to the Tikri border? So it is an enquiry basically. So being a teacher, I think I have to experience on my own before taking it to the children. So with the media being full of polarized view, to actually have a first-hand experience of how it feels, I think staying here for a week actually gives me a lot of motivation to learn a lot of things from them, from the protest. It's a legendary movement. Senthil, Mr. Senthil, they say this movement is confined to rich farmers from Punjab, from Haryana and Western Uttar Pradesh. And the farmers from other parts of India are not particularly concerned or bothered that farmers, thousands of farmers, have been protesting at various sites for almost one full year. What are your views? I was also confused initially about the same thing. Why are the farmers from other states not really participating? Then I understood that the MSP or whatever was happening so far as per law was majorly impacting Punjab, Haryana, because 40% of government consumption, government procurement is happening in these states, whereas the other states are just few in single digit. That's one of the reasons. And as you said, this is also something which I hear from the middle class and the upper middle class of Delhi and other metros, that these are not farmers, these are all rich people, and they are being funded by the other organizations, other parties from foreign nations. But that's not true. We stayed at Tikri Pillar 783 in a tent, and there was a farmer, there was a landless farmer who got hit by a vehicle on October 20th. He was lying with a neck accident, neck fracture, and 2 days back he died there in the tent itself. He was asked by the protesters to go back home and rest after the surgery, but he said, if I die, I would die in the protest site. And this is where they are, and this is how they are protesting. I would appeal all the families in India that you can support, you can oppose the farm protest, that's a different thing. But come and stay here and have a feel for what it takes to be in the farmer's tent, which they have been doing for one whole year. What we have achieved now is just a part victory, but definitely MSP is pending, electricity bill is pending, but we have now arrived at a position where we know what is the formula to win something. Umaji, what according to you is unique, new about this agitation that has been going on for almost 1 year? In what way do you think this particular agitation has certain lessons for every citizen of this country? What are the lessons they have to learn from what has happened for almost 1 year? So I feel this is just not a protest of farmer. It's also a protest to be looked up at by every marginalized group who are deprived of many things, who are taken for granted. So the unique thing would be the way this protest is organized. Be it langar on the kind of jugaad way of living here, sustaining themselves amidst all the tricks or the threats they are facing. So I think that kind of
persistence, that is the unique thing. How to organize a protest, this kind of protest template is something which I would definitely take it to, and this is applicable for any violence against the marginalized group, any group. So it is just that, it's not only, it's just not a thing of farmers alone, I would say. It's something from here. What I'm carrying is what kind of action I can do locally also. Okay. Do you believe that one aspect of this agitation which makes it different from other agitations, not only because it's gone on for a long time, almost 1 year, but it's the collective leadership. Many organizations, many associations, many unions have come together. So definitely, that is clearly seen. There are not only farmers here, there are different groups who can actually or offering to this whole thing. So that community, the community work, that is also definitely something I'm taking. How a group of people, when they organize themselves together, can make a change. It's basically irrespective of a class divide and the caste divide, they were able to come together and still hold this together. It's like I can add a religious divide as well. Yes, everything, like ideological divide as well. Like there are all these people coming together and they have demonstrated that this is possible in today's world. And that's something impossible so far to even imagine. And they have really demonstrated this. And just to be here for a week, because this week was a vacation week in our school, and we thought nothing more can be more rejuvenating and inspiring for us than to meet all these people being here. And to be part of this thing is a great feeling. Yeah. I was speaking to Senthil and Uma, both school teachers, who've come a long distance, thousands of kilometers, from Thiruvannamalai, Tamil Nadu, and spent a week here at the Tikri border. And today, we are speaking on the day the Prime Minister announced that the three controversial farm laws would be repealed. This is Paranjoy Guha Thakurta for NewsClick from Tikri border.